एवरीवन, आई एम शुचि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं व्रत में खाने वाली कुटू की पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी फूली फूली हमारी कुटू की पूरी बनके रेडी हुई हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें मैं ले रही हूँ 1 कप कुटू का आटा। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे सेंधा नमक। व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड कर दूंगी। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई काली मिर्च। और फ्रेंड्स, कुटू के आटे में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं होती है, तो उसको बाइंडिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उबली हुई अरबी। अगर आपके पास अरबी नहीं है तो आप इसकी जगह बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अरबी को अच्छे से इसमें कद्दूकस कर लेती हूँ, जिससे ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी और हमारे कुटू के आटे को एक अच्छी सी बाइंडिंग प्रोवाइड करेंगी, जिससे आटा हमारा बहुत अच्छे से लग के रेडी होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, आप इसकी जगह बॉइल्ड पोटैटोज आलू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले फ्रेंड्स हम अच्छे से इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बहुत कम इसमें पानी जाता है फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा थोड़ा हमें इसमें पानी ऐड करना है। पहले मैं अच्छे से अरबी के साथ कुटू के आटे में इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ और बिल्कुल मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है पानी। ये देखिए, अब इसी से ही हमारा डो आटा बनके रेडी हो जाएगा। कुटू के आटे को फ्रेंड्स लगाकर नहीं रखते हैं, आपको हैंड टू हैंड कुटू के आटे को लगा के तभी की तभी पूरी बना के रेडी करनी है, अदरवाइज़ आपकी पूरी नहीं बनेगी। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा घी लगा के मैंने आटे को रेडी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं अपने हथेली पे घी लगा लूँगी और इसकी छोटी छोटी लोई बना के रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल हम पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी सी ये पूड़ी थिक बनती हैं, थोड़ी सी मोटी बनती हैं। ये देखिए, मैंने सारी लोई बना के पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। अभी हम इसकी पूड़ी बेलना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में आप फ्रेंड्स तेल भी गर्म होने के लिए रख दीजिए गैस पे। मैंने ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इनको बेलकर ज़्यादा देर रखते नहीं हैं। बहुत ही हल्के हाथ से हमें पूरियां बेलनी है। ये देखिए, अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि किनारे से ये थोड़ी टूट गई हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे बाउल लेके इसको बीच में से कट कर लेंगे, जिससे हमारी सारी पूरियां सेम साइज़ की बनकर रेडी होंगी। आप अभी, मैं ऐसे ही इसे यूज़ कर रही हूँ, आप अभी चाहें तो इसे और थोड़ा सा बेल सकते हैं अगर आपको थोड़ी और पतली बनानी है तो। मैं एक और पूरी बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कट करने से क्या होता है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होंगी। ये देखिए, ऐसे ही मैंने सारी पूरी बना के रेडी कर ली है। आइए हम अपनी पूरियों को तल लेते हैं। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म है और आपको हाई फ्लेम पे, जैसे हम नॉर्मल पूड़ियाँ फ्राई करते हैं वैसे ही इन पूड़ियों को आपको तलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ऐसे प्रेस कर लीजिए। देखिए हमारी पूरी कुटू की पकौड़ी कितने अच्छे से फूल गई है फ्रेंड्स। इनको अच्छे से सेकना है, जिससे ये इनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लाल लाल सी दिखने लगेंगी, तो इसका मतलब हमारी पूरी सेक के रेडी हो गई है। ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, आप इसे फलाहार की, घिया की सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो उसमें आप ये फलाहारी कुटू की पूरी बनाकर रेडी करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी पूरी भी कितनी अच्छे से फूल गई है। ऐसे ही हम सारी पूरियों को तल लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको इसका आटा लगा के नहीं रखना है, हैंड टू हैंड आपको इसका डो रेडी करना है और तभी आपको इसकी पूरियाँ बेल के रेडी करनी है। ऐसे ही हमारी सारी पूरी बन के रेडी हो गई हैं। आइए हम पूरियाँ सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप आटे से मैंने 7 से 8 पूड़ियाँ बनके रेडी की हैं। सारी पूड़ियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी हमारी पूरी बनी है। आपको फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, रेसिपी को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।